हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। आज हम लोग देखेंगे 17 चैप्टर का फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन का। आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज। अगर आप लोगों को चाहिए कि हम सारा कीवर्ड सारे चैप्टर का एक वीडियो में कर दें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको क्या चाहिए। तो आज हम पहले जल्दी से देख लेते हैं कि अगर इससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है, तो जाकर के आप पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स करिए। मुझे पता है आप लोग का फाइनल आ रहा है। अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी कोई वीडियो चाहिए, तो आप लोग उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे कि वॉट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। पहले जल्दी से हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। देखो, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट कि वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास जो देखते हैं वो हमें जंगल से मिलती है। जैसे हमारे घर में फर्नीचर हो गया, कुछ मेडिसिन हो गए, और गम्स हो गया, पेपर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा है इस चैप्टर में, फॉरेस्ट इज़ अ सिस्टम। जो फॉरेस्ट होता है वो क्या सिस्टम होता है, कंप्राइजिंग वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट में एक चीज़ तो रहता नहीं है, कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स रहते हैं, कितने सारे जानवर रहते हैं, और तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको याद आ गया होगा कि जो डेड डिके जो प्लांट्स होते थे, एनिमल्स होते थे, उनको कैसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमने इस चैप्टर में क्या देखा, इन अ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर। हम देखते थे जब बारिश होती थी तो ट्रीज़ जो होता है कैसे अपर जो सबसे ऊपर का लेयर होता था वो होते थे, और उसके बाद जो है शर्ब्स होता था, हर्ब्स होता था, ये लोएस्ट पार्ट होते थे वेजिटेशन के। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो ये एनिमल्स होते थे हमारे, और बर्ड होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए जो हमारा जंगल है मतलब फॉरेस्ट है, ये फूड प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। और तो और हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे ट्राइब्स जो होते हैं वो भी जंगल पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडिंग ऑन वन अनदर। हमने ये भी देखा था कि जितने भी पार्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के बीच में। एंड नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें, इस चैप्टर में, द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड क्या करते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं वो। देखो, जंगल जो फॉरेस्ट होता है उसे कोई लगाता थोड़ी ना है, कि हमने डिस्कस कर लिया था कि सीड्स जो होता है वो गिरते हैं और वो फेवरेबल कंडीशन पा करके फिर से वो जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर से एक नया पौधा आ जाता है, नया प्लांट आ जाता है। और जंगल जो होता है फॉरेस्ट, ऐसे ही रीजनरेट होते रहते हैं ऑटोमेटिक, मतलब उसको कोई लगाता नहीं है पर्टिकुलर इंसान जा करके। और हमने क्या पढ़ा था कि इन द फॉरेस्ट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे सबका अपना अपना एक काम होता है, मतलब एक जंगल में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, सब कैसे कैसे सबका अपना फिक्स वर्क है जंगल में। कैसे, देखो, कोई डेड प्लांट हुआ जंगल में तो कैसे वो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, फिर वो ह्यूमस बन जाएगा, फिर वो अगले प्लांट को न्यूट्रिशन देगा धीरे धीरे। तो हर चीज़ें ऐसे जो है जंगल में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। हमने ये भी देखा था कि जो सॉइल होते हैं उसको बहने से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट बचाता है। कैसे बचाता है, हमने देखा था कि जब बारिश होती है तो कैसे डायरेक्ट जो है मिट्टी पे पानी डायरेक्ट नहीं पड़ता है, इससे क्या होता है, और जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके जो जड़ होते हैं, रूट होते हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, इससे सॉइल इरोजन बहुत कम होता है, और डायरेक्ट बारिश का पानी भी उस पर नहीं पड़ता है, वो ब्रांचेस के थ्रू आता है, हमने ये भी देखा था। और हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा इस चैप्टर में, सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। हमने ये देखा था कि जो अभी एक फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और वो कैसे हेल्प करता है सॉइल जंगल को, और मतलब फॉरेस्ट को रीजनरेट होने में। और हमने क्या देखा था कि फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़।
ट्राइब्स के बारे में तो हमने बता ही दिया कि कैसे बहुत सारे ट्राइब्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, वहीं से खाना खाते हैं, वहीं पे शेल्टर लेते हैं, और तो और उन्हें वहीं पे मेडिसिनल मतलब नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है कि किस पौधे में कौन सा मेडिसिन कैसे क्या, ये नॉलेज उन्हें बहुत ज़्यादा होता है उन ट्राइब्स को। और हमने क्या पढ़ा था कि फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट और वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। हमने देखा था ना कि फॉरेस्ट कैसे जो है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, वाटर साइकिल को कैसे मेंटेन करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे फॉरेस्ट पे डिपेंड होती हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से सीखी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। अभी हमने इसी पे बात करा था कि एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं कि जंगल जो होता है जंगल को रीजनरेट करने में। तो इसमें पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि पहले तो ये देखो, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हेल्प इन डिस्पोजिंग प्लांट सीड्स। हमने देखा था ना कि एनिमल खा रहे होते हैं कोई मानो चीज़ जंगल से खा रहे हैं, तो वो सीड को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो सीड वहीं पे ग्रो कर जाता है। और जो सेकंड पॉइंट अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट को और एनिमल्स को ह्यूमस में, जिससे जो होता है अदर प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिशन पाते हैं। और इसमें भी मतलब एनिमल्स का ही योगदान हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिकेइंग एनिमल्स जो डिकेइंग एनिमल के डंक होते हैं प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। ये भी एक कारण है कि जो डंक होता है यानी काऊ का जो डंक होता है या फिर एनिमल्स के, वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अदर प्लांट को। तो इससे जो होता है फॉरेस्ट को रीजनरेशन में हेल्प मिलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। हमने देखा था ना कि जहाँ पे ज़्यादा पेड़ रहेंगे, जहाँ पे जंगल ज़्यादा रहेगा, फॉरेस्ट रहेंगे, तो वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट्स इन द फॉरेस्ट विल नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन अर्थ। मैंने बताया अभी आपको कि डायरेक्टली जो होता है रेन वाटर वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं गिरता है। इससे क्या होता है, एंड दीज प्लांट्स ऑल्सो होल्ड वाटर विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। अब हमारा जो है फॉरेस्ट जो होता है वो जो है एक नेचुरल ऑब्जर्वर होता है वाटर का, जो कि ग्राउंड वाटर में पानी को पहुंचा देता है, मतलब इजीली जड़ के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। और इससे क्या होते हैं, फ्लड के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हमारा फॉरेस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर है, नॉइज़ को ऑब्जर्व करता है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वॉट आर डीकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम, वॉट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। अभी हम डीकम्पोजर्स के बारे में पूछ रहा है उसमें। अब डीकम्पोजर्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में, वही क्या कहलाते हैं, हमारे डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। हमने ये भी एग्जांपल देखा था कि जो है अगर कोई मानो जंगल में कोई मान लो एनिमल मर गया, तो अगर कोई दूसरा एनिमल आकर उसे खा जाता है, जो थोड़ा बहुत वहाँ पे बच जाता है वो कैसे थोड़े दिन में गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही जो है कन्वर्ट कर देते हैं उसको ह्यूमस में, यानी कि खाद में, यानी कि फर्टिलाइज़र आप एक तरह से कह सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र में। अब आपको दो एग्जांपल भी देना है, तो उसमें हमारा फंजाई ले लो, बैक्टीरिया ले लो, और ये क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, ये क्या करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग में, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बेचारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने बताया कि कैसे जो है जंगल जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और रिलीज करता है, क्या हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, रिलीज़ करता है ऑक्सीजन जो कि हम लेते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड हम रिलीज़ करते हैं, हम इंसान रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हमें बैलेंस को एटमॉस्फेयर में कैसे बना रहता है हमें ये बताना है। तो प्लांट्स इन द फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो हैं
वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, और यही जो है हेल्प करता है बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉरेस्ट या फिर एटमॉस्फेयर कह सकते हो, एटमॉस्फेयर में फॉरेस्ट तो करता ही है। 5 हमें देखना है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। अभी हमने देखा था कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज वेस्ट क्रिएटेड इज बायोडिग्रेडेबल होता है, विच गेट्स कन्वर्टेड टू ह्यूमस बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने यही डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, जो कि सॉइल में मिल जाता है और अदर प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और हमें क्या बताना है, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। 5 नहीं, यहाँ पे तो आपको 10 बताना चाहिए। चलिए 2-4 मैं बता देती हूँ। एक तो आपको पेपर मिलता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, वुड मिलता है, कितने सारे मसाले मिलते हैं यानी कि स्पाइसेस, गम, मेडिसिन आपको कितने सारे मिलते हैं, तो 5 तो हो गया, और बाकी आप 2-4 अपने आप से बताइएगा। इन द ब्लैंक्स करना है, फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, द इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन डैश। तो किस में होता है, ये पॉलिनेशन होता है, इन पॉलिनेशन, ठीक है। द इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिलर्स अ फॉरेस्ट इज अ प्यूरीफायर ऑफ डैश एंड डैश। ये तो बहुत ईजी है, वाटर और एयर को प्यूरीफाई करता है हमारा फॉरेस्ट। अभी ऑक्सीजन दिखता है, देता है फॉरेस्ट हमें, ये तो अभी हमने जस्ट देखा, और वाटर को भी प्यूरीफाई करता है हमारा फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्या है, हर्ब्स फ्रॉम द डैश लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये तो पता है, ये सबसे नीचे क्या होता है, हर्ब्स होता है, फिर उसके ऊपर शर्ब्स, उसके ऊपर ट्रीज, अपर मोस्ट लेयर ट्रीज। हमने देखा था कि पानी कैसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है अर्थ तक, तो क्या होता है यहाँ पे, लोएस्ट हो जाएगा, हर्ब्स फ्रॉम द लोएस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट इनरिच द डैश। अब वो क्या, किसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे, सॉइल, तो जाहिर सी बात है सॉइल में इनरिच होगा। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन द फॉरेस्ट इनरिच द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हम देखेंगे कि व्हाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। तो ऐसा क्यों है रीज़न, तो बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कम हमारा जो है पेड़ पौधे होंगे, उतना ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि अगर कम प्लांट्स रहेंगे, कम फॉरेस्ट रहेंगे, तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। इससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। और नेक्स्ट अगर हम बोले कि नेक्स्ट रीज़न क्या है, वाई शुड हमें क्यों वरी होना चाहिए अबाउट द फॉरेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीज़न, तो एक रीज़न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर क्या है कि डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, तो अभी हमने देखा कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, सॉइल इरोजन हमारा उतना ही अच्छा रहेगा। अगर कम होता चला जाएगा तो सॉइल बहुत ज़्यादा बहता चला जाएगा, पानी के साथ सॉइल हट जाएगा, यानी कि जो जिसमें जो इनरिच होगा, जो फर्टिलाइज़र वाला अपर मतलब ऊपर का लेयर होगा सॉइल का, वो बह जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी फसल में बहुत सारी कमी आएगी। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि डिक्रीज इन फॉरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट द लीव्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। जो बेचारे जंगल में जानवर रह रहे हैं या फिर जो ट्राइब्स रहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बता रहे हैं, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो इससे फ्लड आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड विल टर्न बैरन, विच इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। अभी मैंने कहा बैरन हो जाएगा, यानी अनफर्टिलाइजर हो जाएगा हमारा सॉइल। अगर फॉरेस्ट बहुत कम रहेंगे तो फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो कम हो जाएगी। इसी हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डिजर्टिफिकेशन, जैसे डेजर्ट हो गया जैसे राजस्थान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट है हमारा, उसमें इतनी वैरायटी क्यों चाहिए एनिमल्स की और प्लांट्स की, तो इसके पीछे भी रीज़न है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हेल्प्स प्लांट्स टू रीजनरेट एंड ग्रो। जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, वो उतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में।
और जो होता है मोर एक्सीलेंट रेंज ऑफ प्लांट्स सपोर्ट हर्बीवोरस। अभी हमने फूड चेन देखा था ना कि जैसे बहुत ज़्यादा जब प्लांट्स रहेंगे तो वो हर्बीवोरस को सपोर्ट करेंगे, और जब हर्बीवोरस अच्छे होंगे मतलब बहुत ज़्यादा होंगे ठीक ठाक मात्रा में होंगे, विच इन टर्न सर्व एज अ फूड ऑफ कार्निवोरस। तो कार्निवोरस कैसे, हमने वो जो फूड चेन देखा था ना यहाँ पे वही हो रहा है। जब कार्निवोरस बहुत ज़्यादा होंगे मतलब ठीक ठाक वो उसमें होंगे तो कैसे डिकम्पोजर्स टर्न डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटू ह्यूमस, वो कैसे फिर डिकम्पोजर्स उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही मेंटेन होता रहेगा न्यूट्रिशन साइकिल। इसकी वजह से वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जरूरी होते हैं। दिस वाइड वैरायटी मेक्स फॉरेस्ट इन अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। ठीक है, फूड चेन जो हमने देखा था वही है इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिगर नंबर ये जो 17.15 है ये मैं क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ। द आर्टिस्ट हैज़ फॉरगॉटन टू पुट द लेबल एंड डायरेक्शंस ऑफ द एरो। आपको इसमें क्या करना है, ये नीचे दिया हुआ है क्लाउड्स रेन एटमोसफेयर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लांट एनिमल सॉइल रूट और वाटर टेबल, इन सब में आपको एरो सेट करना है। तो आप एरो सेट कर लोगे, ऑक्सीजन को आप ऐसे बाहर निकाल के लगा दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्जर्व कर रहा है प्लांट, रेन कैसे नीचे आ रहा है, एंड वाटर टेबल तो मैंने आपको बताया ही है जहाँ से हमें मिट्टी में यानी कि सॉइल में मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाए वहाँ से वाटर टेबल स्टार्ट हो जाता है, रूट आपको पता है, एनिमल आपको पता है, ये बहुत ईजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो अब आप इसमें खुद बताओ कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा इसमें से नहीं है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा नहीं है, इसमें केरोसिन नहीं है, और बाकी सीलिंग वैक्स और प्लाईवुड गम ये सब तो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, लेकिन केरोसिन क्या होता है, वो हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है। ठीक, इसमें यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा सेंटेंस हमारा लास्ट में करेक्ट नहीं है। तो 12 में हमारा सेकंड हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर। यानी कि ये तो सरासर गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, इज़ नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, प्लांट्स और एनिमल फॉरेस्ट में जो होते हैं। और फर्स्ट तो एकदम सही है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड भी हमारा सही है, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। एंड 4 भी सही है, सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, तो क्या करते हैं, ह्यूमस यानी कि न्यूट्रिशन। देखिए हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आप आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।